6 साल पहले मेरा पूरा सर खोला गया था, ये मेडिकल हॉस्पिटल एम्स में। और जब उन्होंने मेरा एमआरआई देखा था पहली बार, तो डॉक्टरों ने मेरे घर वालों को बोल दिया था ये ऑपरेशन की मेज़ पे ख़त्म है बिल्कुल। मेरे भाइयों ने बहुत साथ दिया, मैं पढ़ी लिखी टीचर हूँ भैया, एक फादर एग्नेल स्कूल दिल्ली ब्रांच में पढ़ाया करती थी, और मैंने छोड़ दिया था, वो बात की गवाही है। तो मैं बताती हूँ, ये 2016 की बात है ये। और जब मेडिकल हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये नहीं बचेगी, मेरे भाइयों ने कहा कोई बात नहीं आप करिए। और उन्होंने कहा था मेडिकल वालों ने, ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो सर का सारा वो करते हैं, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सबसे बड़े हेड जो हैं वहाँ के, सबसे बड़े डॉक्टर का केस था ये। तो उन्होंने कहा अगर बची तो ये पूरा हिस्सा लकवा मार जाएगा। आपके सामने खड़ी हूँ, हालेलुया। और तीसरा और सुन लो, कहा था ये पागल हो जाएगी, इसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। आपको लग रहा कोई पागल बुढ़िया खड़ी है यहाँ? ये है मेरा प्रभु यीशु मसीह, ये है मेरा प्रभु यीशु मसीह। जो नए लोग आए हैं, मत घबराओ, लोग तुम्हें पीछे खींचेंगे, भगाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं सुनना किसी की भी। हमारे जैसे लोगों की सुनो, वो मुर्दे को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मुझ मुर्दे को उठा दिया, और उसके बाद मेरा सर इतना दर्द में रहता था, बहुत सर दर्द। तो डॉक्टरों ने सर दर्द की दवाई, बहुत सारी दवाई, 8.5 घंटे मेरा सर खोला हुआ था, बहुत काटा हुआ, यहाँ के निशान तो दिखते हैं, बाकी तो छुप गए सारे, पूरा ऐसे यहाँ तक पूरा सर काट के खोला हुआ, उससे ऑपरेशन हो रहा था। और उसके बाद आईसीयू में रखा 2.5 दिन, इतने सुइयाँ मुझे चुबा रहे थे वो, इतने इंजेक्शन दे रहे थे, और मुझे इतना जल्दी होश आया। और वो आईसीयू बहुत स्पेशल आईसीयू है, हर एक बेड के साथ एक नर्स बैठी हुई। तो जैसे ही मुझे होश आया, मेरे को लगा ये मेरे को ऑक्सीजन का वो क्यों लगाया हुआ, मैंने हटा दिया वो, एक तरफ ग्लूकोज चढ़ रहा और ऑक्सीजन, मैंने हटा दिया। नर्स की नज़र पड़ते, हाय मैडम ये मत हटाओ। मैंने कहा बेटा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सांस ले रही हूँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जिंदा रखा हुआ। कह रही नहीं जी, डॉक्टर आएंगे मुझे डांटेंगे, मेरी ड्यूटी है आपके साथ। मैं इतने में डॉक्टर अंदर आए, मैंने हाथ से ऐसे करके उन्हें बुलाया, वो डॉक्टर वाओ, वो लोग सब मेरे से मैं अंग्रेजी बोलती थी, वो भी अंग्रेजी बोलते थे, वाओ आपको होश आ गया। मैंने कहा था ना, मेरा प्रभु यीशु मसीह करेगा। मैंने कहा हाथ आप लोगों के चल रहे थे, कर कौन रहा था? मेरा प्रभु यीशु मसीह। और वो कह रहे हाय, अच्छा उन्होंने जो कहा था कि पैरालाइज हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, कह रहे ये हाथ उठाओ, मैंने उठा दिया, दूसरा हाथ उठाओ, वो भी उठा दिया, कह रहे ये पैर उठाओ, मैंने वो भी उठाया, कह रहे ये पैर उठाओ, मैंने वो भी उठाया, कह रहे वाओ वाओ। मैंने कहा आप वाओ वाओ ही करते रहोगे, ये है प्रभु यीशु मसीह। मैंने कहा ये है प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद जब मेरे को बाद में वो बुलाते थे, तो उन्होंने एक और बड़ी वो कहा, कह रहे जी ऐसा है मैडम जी, आपके मेरे अंदर ब्रेन ट्यूमर था, उसका टेस्ट करा कि ये कैंसर तो नहीं है, ब्रेन कैंसर तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कैंसर नहीं निकला, वो मतलब सर की रसौली, ब्रेन ट्यूमर हिंदी में सर की रसौली, तो रसौली का थोड़ा हिस्सा रह गया अंदर, जो बहुत अंदर को था, डॉक्टर नहीं कर पाए क्योंकि इतना खून बह रहा था, नसें कट रही थी। आप देखोगे मेरी एक आंख बंद रह गई, एक नस खराब हो गई जो आंख को खोलती है, जिसको हिंदी में नाड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में नर्व बोलते हैं, तो वो नर्व खराब हो गई जिससे ये आंख बंद रह गई, काणी हो गई मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे काणी भी समझे कोई नहीं, मैं
यीशु की गवाही देती फिरती हो, प्रभु की गवाही देती फिरती हो। और जब उन्होंने कहा कि आपका जो थोड़ा सा रसौली का हिस्सा रह गया है वो एक और मशीन है, उसमें आपका सर डालेंगे, और उस मशीन में सर डालने से वो जो रसौली का हिस्सा रह गया है, ट्यूमर का हिस्सा, वो उसके अंदर जाएगा मशीन के अंदर, तो उसके जो वाइट सेल्स होते हैं, आपको शायद इतनी साइंस नहीं पता होगी, बहुत लोगों को खून में दो तरह के सेल होते हैं, रेड सेल्स एंड वाइट सेल्स, तो वाइट सेल्स आपके खून को बढ़ाते हैं। तो वो उन्होंने कहा जो इसके अंदर वाइट सेल्स हैं वो मशीन में डालने से उसके अंदर से वो निकलेंगे, तो वो जल जाएंगे वो वाइट सेल, और ये रसौली वहीं के वहीं मर जाएगी, निकलेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मर जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो मेरा वो डॉक्टर बार बार कहता था जाओ वो गामा नाइफ, उनको वो जो सर, वो है जो तरीका, उसे गामा नाइफ वो कहते हैं। तो उन्होंने कहा गामा नाइफ वाले डॉक्टर के पास जाओ, मैंने कहा अरे मेरा यीशु ठीक करेगा, कहते नहीं आप जाओ ना। जब मैं गामा नाइफ वाले के पास गई, दूसरे डॉक्टर के पास, वो कहते हैं जी हमारी मशीन भी नहीं कर सकती, वो कह रहे हैं आपका वो डाला भी जाएगा सर मशीन के अंदर, ये इतना अंदर को है वो जो ब्रेन ट्यूमर का हिस्सा है, रसौली का हिस्सा, वो इतना अंदर को है, हमारी मशीन भी नहीं कुछ कर सकती। मैंने कहा मैं तो कह ही रही थी कि मेरा प्रभु यीशु मसीह करेगा, तो वो भी हंस रहे, वो डॉक्टर भी। मैंने कहा प्रभु, और उसके आप, मैं आप हैरान रह जाएंगे, उसके नौवें दिन, मेरी आदत है घर में सिर्फ गॉड टीवी लगाना, शुभ संदेश लगाना या गुड न्यूज़, और कुछ नहीं लगता। तो सुबह सुबह प्रार्थना करके हटी मैं, और अपना टीवी पे मेरा गुड गॉड टीवी जो इसराइल से आता वो लगा दिया था। 7:30 के प्रोग्राम में एक पास्टर जी आए, उनके साथ 2-3 पास्टर और बैठे थे, एक लेडी पास्टर भी थी। तो एक पास्टर को उन्होंने खड़ा किया, मैं किचन में थी अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, तो जैसे ही मेरे को आवाज़ आई कि अरे वो पास्टर आ, मैंने गैस बंद करा और मैं उस टीवी के सामने, बल्कि प्रभु ने कहा जा टीवी के सामने खड़ी हो, मैं जाके टीवी के सामने खड़ी हो गई, और वहाँ पे वो पास्टर जी जो एक जवान पास्टर जी थे, ऐसा उनको लगा जैसे वो टीवी के अंदर से मुझे देख रहे हैं, ऐसा चमत्कार। और वहां से उन्होंने कहा आपका ब्रेन ट्यूमर खत्म हो गया, आपका ब्रेन ट्यूमर प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। ये 2017 की बात बता रही हूं, 2016 में ऑपरेशन हुआ था अगस्त महीने में, 3 अगस्त को 6 साल हुए, उसके कुछ दिन कुछ महीने बाद ही ये टीवी के सामने मुझे गैस बंद करवाया, पवित्र आत्मा ने कहा गैस बंद कर, टीवी के सामने खड़ी हो, और मैं जाके खड़ी हो गई टीवी के सामने। और वहाँ से वो पास्टर जी, मालूम है कहाँ से आ रहा था, वो इज़राइल देश से आ रहा था प्रोग्राम, वहाँ से आता है गॉड टीवी, उसने कहा तेरा जो ब्रेन ट्यूमर है प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। और मैं तो चिल्ला पड़ी, मैंने कहा धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे हस्बैंड बैठ के यूं देख रहे, ये कैसी पागल सी हो गई, मैंने कहा मेरे को ठीक कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे अंदर जो ट्यूमर था वो इस तरह का ट्यूमर था, डॉक्टरों ने कहा था 1 साल के बाद ये फिर बढ़ जाएगा, फिर तुम भागे आओगे हमारे पास, इसलिए वो मशीन में आपका सर जाना जरूरी है, गामा नाइफ का वो होना जरूरी है। लेकिन उस डॉक्टर ने मना कर दिया, मेरा प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, हालेलुया। और उन्होंने जैसी कहा मैंने विश्वास, कोई और होता तो वो कहता पता नहीं किसी और को बोल रहे होंगे, मेरे को पता था, मेरे को गैस बंद करवाई, चाय नहीं बनाई, टीवी के सामने खड़ा किया, इसलिए ये मेरा दिन है, ये मेरे लिए कहा गया है, और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और उसके बाद से 5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, मैं डॉक्टरों के पास गई नहीं, मैं गई नहीं। और जैसी उसने बोला था कि तुम्हारा ट्यूमर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मैंने दवाई भी छोड़ रखी है, जबकि डॉक्टरों ने बोला था सारी ज़िंदगी दवाई खानी है,
मैंने 5 साल से ज्यादा हो चुका है, कोई दवाई नहीं खाई, ये 70 साल की बुढ़िया खड़ी है तुम्हारे सामने, मेरी आवाज से लग रहा है कि मैं 70 साल की बुढ़िया बोल रही हूँ। ये है मेरा प्रभु यीशु मसीह, ये है मेरा प्रभु यीशु, मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। जो नए लोग आए हैं, कभी मत अपने, कितने भी लोग आपको पीछे खींचे, जो नए लोग आए हुए हैं बिल्कुल मत सुनना किसी की, इधर से सुनो इधर से निकालो। ये वो परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, और आज भी वो अपने सामर्थ को दिखा रहा है। ये परमेश्वर की सामर्थ है, वो इम्पॉसिबल्स को यानी असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये असंभव था, बिल्कुल असंभव। डॉक्टर्स कहते हैं हमारे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बन गया जी, रिकॉर्ड बन गया, वो सबसे बड़े डॉक्टर सूरी। मैं कहते हैं आपका रिकॉर्ड, मैंने कहा ये करा किसने, तो वो मेरे को देखते हैं, उन्हें पता ये फादर एग्नल की टीचर है, सारे मेडिकल हॉस्पिटल के बच्चे हमारे स्कूल में ही पढ़ते थे, वहाँ के डॉक्टरों के नर्सों के पास में था स्कूल, तो वो मुझे देख के हंसते थे, कहते ये आके हमेशा ऐसी बोलती है। प्रभु यीशु डॉक्टरों को भी और मैं दुनिया को ये 6 सालों में इतनों को बता दिया है, मेरे को जान के प्रभु ने ये आँख बंद रखी और यहाँ से मेरी पूरी हड्डी निकाली, गड्ढा है, तो जब बताती हूँ तो एकदम सामने प्रूफ है, सामने दिख रहा है कि भैया यहाँ से हड्डी भी निकली और एक आँख भी बंद है, ये गप्पे नहीं मार रही। मैं बसों में कहीं भी जा रही हूँ, RTV में बैठी हूँ, कहीं भी बैठी हूँ, सबको बताती हूँ, लोग ध्यान से देखते हैं ये कैसी बुढ़िया है, जान के चश्मा उतार देती हूँ मैं कि लोग देखें, तो लोग देखते हैं अरे एक आंख बंद, यहाँ पूरा हड्डी निकली, वहीं शुरू हो जाती हूँ, सब्जी खरीदने जाती हूँ वहाँ शुरू हो जाती हूँ, बनिए की दुकान पर जाऊँगी, कहीं भी जाऊँगी। मेरे को तो ये पता है कि दुनिया को प्रभु यीशु के बारे में सुनना है, सुनना है, और ये हमें काम दिया है, ये सिर्फ पास्टरों को नहीं दिया काम, सबको, हर विश्वासी को अपनी गवाहियां देते फिरना है, प्रभु यीशु का नाम लेते फिरना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में पहुंच जाए, हर एक के जीवन में। भारत देश के लिए बहुत प्रार्थनाएं करो, बहुत प्रार्थनाएं करो, मैं प्रार्थना करने वाली प्रार्थना योद्धा हूँ, बहुत प्रभु की सेवा करती हूँ और प्रार्थनाएं बहुत करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने पास्टर जी को बहुत आशीष दे प्रभु, कि मैं पहली बार आई और पहली बार ही मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, और ये गवाही के लिए कुछ ऐसे जन हैं यहाँ जो बहुत नए हैं, इस गवाही से आप विश्वास करिए, आप उस परमेश्वर के पास आए हैं जो आपको भी प्यार करता है। वो सिर्फ उनको नहीं कि हाँ क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं तो ये मेरे बच्चे हैं, मेरे परमेश्वर के लिए सब उसके बच्चे हैं, पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, वो हर एक से प्यार करता है, हर एक को बचाना चाहता है, हर एक को नरक इंसान के लिए नहीं बना था भैया, नरक शैतान के लिए बना था, और शैतान के स्वर्ग दूतों के लिए जो शैतान के चेन है उनके लिए था नरक, वो अलग बात है कि इंसान पाप में चला गया, इसलिए नरक से बचाना हमारा काम है, लोगों को हर जगह गवाहियां देना है, प्रभु के बारे में बताना है, और तब देखो प्रभु के कितने ऐसे लोग जो इतने परेशान हैं इस समय, इतने मुश्किलों में फंसे हैं, उनको प्रभु संभालेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इन गवाहियों के लिए एक नया जीवन दिया, और गवाहियों का मुझे बहुत मौके मिल रहे हैं, बहुत लोगों के बीच में गवाहियाँ देने का मौका मिल रहा है। और एक चीज़ और समझा दूँ, बता दूँ, मेरा ये पूरा हिस्सा, आधा हिस्सा सुन है, सुने मतलब मैं इधर से खाना भी नहीं खा सकती, कोई यहाँ पे काट भी देगा मुझे नहीं पता चलेगा, ये पूरा आधा हिस्सा सुन है मेरा, मेरी आधी जबान भी सुन है, मैं खाना सिर्फ इधर से खाती हूँ। मेरी आवाज़ कैसे निकल रही है,
मेरी आवाज, जिसकी आधी जबान खराब हो क्या वो साफ बोल पाएगा? मैं आप लोगों से पूछ रही हूं, जिसकी आधी जबान खराब है क्या वो साफ बोल पाएगा? अगर साइंस थोड़ी बहुत जानते हो तो ये बता दूं कि जिसकी आधी जबान खराब होती वो साफ कभी नहीं बोल सकता। मेरी आवाज से लग रहा है कि इस बुढ़िया की आधी जबान खराब है। ये है प्रभु, ये शैतान ने कहा इसकी जबान ही खराब करता हूँ। बहुत बोलती है हर जगह, ज़्यादा यीशु यीशु करती फिरती है, आधी जबान इसकी खराब कर देता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने वो आधी जबान खराब होने के बाद भी मेरी आवाज में कोई नुकसान होने नहीं दिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मैं और भी ज्यादा लोगों को इस गवाही के द्वारा प्रभु के पास लाने वाली बनूं।